Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 6th February 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is a list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about India Sri Lanka fishermen issues. It keeps on repeating. It's an unending ooze. This is what this uh, article of The Hindu says. so this topic is important from our syllabus GS paper two international relations point of view so ये जो topic है ये discuss कर रहा है about a contentious issue between India and Sri Lanka which is fishermen issue होता क्या है कि अक्सर भारत के खासकर तमिलनाडु के कुछ fishermans वो fish पकड़ने के लिए सrilankan water में enter कर जाते हैं and then there they get arrested by sri lankan navy और फिर वो श्रीलंकन जेल में रहते हैं फिर भारत के ऊपर दबाव बनता है कि उनको रिलीज करवाया जाए तो ये एक कंटेंशियस इशू बन गया है और ये एक अनएंडिंग प्रॉब्लम बनता जा रहा है इंडिया श्रीलंका के बीच में इट हैपेंस वेरी फ्रिक्वेंटली कि इंडियन फिशरमैन फ्रॉम द इंडियन साइड स्पेशली फ्रॉम द स्टेट ऑफ तमिलनाडु क्रॉसेस द इंटरनेशनल मैरी बाउंड्री इंटर्स इन द श्रीलंकन वाटर्स एंड देन दे गेट अरेस्टेड इट क्रिएट्स फ्रीक्वेंट टेंशन बिटवीन द टू साइड्स इंडिया एंड श्रीलंका तो नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड ऑफ इंडियन फिशरमैन इन द श्रीलंकन वॉटर्स वज नॉट है इसके पीछे तीन मेन कारण है कि इंडियन फिशरमैन श्रीलंकन वॉटर्स में जाते हैं एक तो है कि श्रीलंकन साइड इज मोर रिच इन फिशेज दूसरा है कचा तीवू आइलैंड इशू एंड थर्ड इज द कॉन्टिनेंटल सेल्फ ऑफ श्रीलंका बींग ब्रॉडर एज कंपेयर टू द इंडियन साइड ये तीनों इशूज को एक एक करके समझते हैं और इन तीनों इशूज से फिर हमें पता चलेगा कि वाई इंडियन फिशरमैन कीप ऑन फ्रिक्वेंटली एंटरिंग इन टू द श्रीलंकन वाटर्स तो पहला है श्रीलंकन साइड इज मोर रिच इन फिशरीज रिसोर्सेज इसके पीछे दो कारण है श्रीलंकन साइड में सिविल वॉर चलता रहा आपको पता है कि नदन रीजन जो है श्रीलंका का दैट इज बेसिकली तमिल डोमिनेटेड रीजन एंड वाइल सेंट्रल पार्ट ऑफ श्रीलंका इज हैबिटेटेड बाय सिन्हाला मेजोरिटी तो सिन्हाला और तमिल्स के बीच में सिविल वॉर चलता रहा तमिल की जो इंसर्जेंट ग्रुप्स थी एल इट कंटिन्यूड इंसर्जेंसी फ्रॉम 1976 सेवेंटी सिक्स टू टू थाउजेंड नाइन इतने सालों तक जो सिविल वॉर चलता रहा इस कारण से इस साइड में जो भी फिशिंग हुई क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर तमिलियन पॉपुलेशन रहते थे आज भी तमिलियंस ही रहते हैं तो सिविल वॉर के दौरान यहाँ पे कुछ भी खास इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो नहीं पाया जो भी फिशिंग हुई वो काफी ट्रेडिशनल आउटडेटेड तरीके से हुई कोई उसमें साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल नहीं किया गया और इस कारण से फिशिंग रिमेन सब्सिस्टेंस वहीं ऑन द इंडियन साइड फिशिंग को लेकर के नए नए तरीके निकाले गए जिससे ज्यादा ज्यादा फिशेस को कैच किए जा सके उसमें कुछ अनसस्टेनेबल फिशिंग मेथड्स भी आए जैसे ट्रॉलर फिशिंग जिसमें बड़ा सा ऐसा नेट इस्तेमाल किया जाता है दो शिप्स में टाई करके जिससे लार्ज फिशेस कुड बी कैप्चर्ड इन स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम डायनामाइट या ब्लास्ट फिशिंग डायनामाइट इज यूज टू ब्लास्ट

गेट इन टू द श्रीलंकन साइड दूसरा कारण है वो है कचा तीबू आइलैंड का कंसर देखिए आप अगर देखेंगे तो इंडिया श्रीलंका के मैरी टाइम बाउंड्री के बिल्कुल पास में एक आइलैंड है कचा तीबू आइलैंड दिस आइलैंड बिलोंग टू इंडिया टिल 1974। बट इट वाज़ डिस्प्यूटेड श्रीलंका उड कीप ऑन क्लेमिंग इट्स टू कंट्रीज इंडिया एंड श्रीलंका इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन और नाइनटीन सेवेंटी फोर से लेकर केिक्स में कुछ सीरीज ऑफ एग्रीमेंट साइन हुए इंडिया श्रीलंका के बीच में एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट कचा तीवू आईलैंड वॉज कंसीडेड बाई इंडिया टू श्रीलंका अब ये जो कचा तीवू आइलैंड जो भारत ने श्रीलंका को दे दिया एज ए रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट साइन इन नाइनटीन सेवेंटी एंड नाइनटीन उस कारण से भी आज के डेट में हमारे फिशरमैन इंडियन साइड से निकल करके श्रीलंकन वाटर में जाते हैं क्योंकि ये जो कचा तीबू आइलैंड आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्रेडिशनली इंडियन फिशरमैन दिन के अंदर इंडियन फिशरमैन दिन के अंदर जाकर के फिश पकड़ने के बाद रेस्ट करते हैं क्योंकि आपने बेसिक जोग्राफी में तो पढ़ रखा होगा लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज तो लैंड ब्रिज चलता है बिल्कुल सुबह सुबह जब जमीन का तापमान कम रहता है एज कंपेयर टू द टेम्परेचर ऑफ द वाटर देन देयर इज हाई प्रेशर ऑन द लैंड लो प्रेशर इन द वॉटर साइड एंड देन लैंड ब्रिज इज देयर राइट और उस लैंड ब्रिज की मदद से फिर फिशरमैन अपने अपने सिप्स को लेकर के ओसन की तरफ निकलते हैं और फिर दोपहर के बाद से धीरे धीरे जमीन ज्यादा गर्म होने लगती है एज कम्पेयर टू द सी तो फिर यहां पे बनता है लो प्रेशर एंड देन द सी ब्रिज स्टार्टेड जिसकी मदद से स्टार्ट जिसकी मदद से फिर फिसरमैन अपनी सिप लेकर के वापस से कोस्ट पे आते हैं तो सुबह सुबह चार बजे मान लीजिए फिसरमैन निकले ग्यारह बजे तक उन्होंने फिसर्स पकड़ लिए अब वो दो तीन चार घंटे जो उनको वेट करना होता है तो दे कीप ऑन वेटिंग ऑन दीज आइलैंड्स उसमें से एक इंपॉर्टेंट आइलैंड रहा है कचाती वो आईलैंड कच्चा आइलैंड ट्रेडिशनली हॉल्टिंग जोन रहा है फॉर इंडियन फिशरमैन लेकिन भारत ने कच्चा आइलैंड कंसीड कर दिया टू श्रीलंका इन 1974 इटसेल्फ लेकिन जो काम ट्रेडिशनली चलता आ रहा है इतने सालों से कि फिशरमैन आते हैं यहाँ रुकते हैं वो तो आज भी कंटिन्यू कर रहे हैं और 1974 में श्रीलंका को मिलने के बाद भी लगभग 25-30 सालों तक श्रीलंका ने कुछ खास एक्शन लिए नहीं इंडियन फिशरमैन के अगेंस्ट वेन दे वुड कम एंड हॉल्ट ऑन कचा आइलैंड। आईलैंड बट आज कल देखा जा रहा है कि श्रीलंका जो नेवी है इट हैज बिकम वेरी विजिलेंट एंड स्ट्रिक्ट विथ रेस्पेक्ट टू इंडियन फिशरमैन रेस्टिंग ऑन कचा तीवू आईलैंड तो मुद्दा यह है कि कचा आइलैंड तो भारत ने दे दिया नाइनटीन में अब जो इंडियन फिशरमैन का ट्रेडिशनल अप्रोच है कचा तीबू आइलैंड को लेकर के वो आज भी वो कंटिन्यू कर रहे हैं और यही कारण है कि देख ऑन गेटिंग अरेस्टेड देखिए एक फंडामेंटल क्वेश्चन उठता है कि वाई इंडिया कंसीडर्ड कचा तीबू आईलैंडीन सेवनटी फोर तो देखिए 1974 में इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे जिसका नाम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा ये भी वहीं किया गया था पोखरन में यहाँ पे दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट किया गया ऑपरेशन शक्ति 1998 जिसके बाद इंडिया टू बी तो ए न्यूक्लियर वेपन स्टेट तो हमने ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा किया 1974 में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन बट इंडिया क्लेम्ड कि हमने जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया है इसकी मदद से जो हमने टेक्नोलॉजी डेवलप की है दैट विल बी यूज ओनली फॉर सिविलियन पर्प इट विल नॉट बी यूज फॉर मेकिंग वेपन तो दैट मीन्स इंडिया डिड नॉट बिकम अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट आफ्टर दिस न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इन नाइनटीन ऑपरेशन Smiling Buddha. We became a nuclear weapon state only in 1998 after second Pokhran experiment, which was named Operation Sakti. Come back to the topic. India conducted this test. Operation Smiling Buddha claimed that it has been done for peaceful purpose, yet the world countries turned against India. Both sides, US and USSR blocked, both sides started to put pressure on India for having such a massive step. अब ऐसे हालत में श्रीलंका वॉज गोइंग टू होस्ट नैम समिट नॉन अलाइनमेंट समिट बिकॉज दैट वॉज ऑफ कोल्ड वॉर सो वर्ल्ड डिवाइडेड टू पावर ब्लॉक्स एंड एंड ब्लॉक इंडिया वॉज नॉट ऑफ ऑफ आइदर द ब्लॉक इंडिया स्टार्टेड स्टार्टेडर मूवमेंट दैट वॉज नैम अब नैम की समिट होने वाली थी श्रीलंका के अंदर इंडिया डेस्परेटली नीडेड सपोर्ट ऑफ श्रीलंका एंड ओवरऑल सपोर्ट ऑफ नैम टू डिफ्यूज द प्रेसर दैट वॉज कमिंग फ्रॉम यूएस एंड यूएसएस आर ब्लॉक बिकॉज ऑफ दिस ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा तो श्रीलंका को आप कह सकते हैं अपीज करने के लिए भारत ने ये मेरी टाइम अग्रीमेंट साइन किया श्रीलंका के साथ और जो डिस्प्यूटेड आईलैंड था जो ओवरऑल इंडिया के कंट्रोल में था लेकिन you can say as a result of appeasement policy because india was slightly under pressure india considered this kachati violent to sri lanka which has become a bone of contention in recent time especially because of the fishermen frequently getting uh, crossing the maritime boundary and resting on the kachati violent third factor is geographical factor why sri Lankan water is rich as compared to indian water with respect to fishes population के पीछे कारण है कॉन्टिनेंटल सेल्फ इफ यू सी द द्रीलंकन साइड ऑफ द कॉन्टिनेंटल सेल्फ इज वाइडर तमिलनाडु का आप देखिए ये है कॉन्टिनेंटल सेल्फ तमिलनाडु का ये काफी नैरो है राइट right? और यहां जाकर के ये अब तमिलनाडु के फिशरमैन के लिए इतना कॉन्टिनेंटल सेल्फ मिलता है फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट होप यू अंडरस्टैंड फिशेस की जो पॉपुलेशन ज्यादातर मिलती है वो राइट अबोव द कॉन्टिनेंटल सेल्फ होती है ऐसे डीप सी के ऊपर फिशेस नहीं मिलेंगे अदरवाइज उनको न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा कॉन्टिनेंटल सेल्फ के फ्लोर पे जो प्लांट्स वगैरह होते हैं मेरी टाइम प्लांट्स वहां से न्यूट्रिशन आते रहते हैं दैट आर नीडेड फॉर सर्वाइवल ऑफ द फिशेज तो अब आप देखें तो तमिलनाडु के फिशरमैन के लिए तमिलनाडु का कॉन्टिनेंटल सेल्फ तो इतना ही ब्रॉड है द मोमेंट दे क्रॉस दिस लाइन अब ये इधर तो जा नहीं सकते क्योंकि इधर डीप ओशन है यहाँ पे फिशेस तो मिलेंगे नहीं तो फिर नेचुरली वो लोग लो इधर आने की कोशिश करेंगे और जब इधर आने की कोशिश करते हैं तो बहुत बार वो गलती से मैरीटाइम बाउंड्री क्रॉस कर जाते हैं और श्रीलंकन वाटर में आ जाते हैं तो द थर्ड फैक्टर इज कॉन्टिनेंटल सेल्फ तो इस कारण से ये एक बोन ऑफ कंटेंशन है भारत और श्रीलंका के बीच में इंडिया हैज बिन लुकिंग फॉरवर्ड टू फाइंड ऑल्टरनेटिव फॉर द तमिलनाडु फिशरमैन इन फॉर्म ऑफ देयर लाइवलीहुड अभी तक इसका कोई सस्टेनेबल सॉल्यूशन तो मिला नहीं है सेकंड इंडिया इज आल्सो ट्राइंग टू फाइंड सस्टेनेबल मेथड्स ऑफ फिशिंग इंडिया हैज बैंड अनसस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस लाइक डायनामाइट फिशिंग और ट्रॉलर यूज ऑफ ट्रॉलर इन फिशिंग प्लस इंडिया हैज डिप्लॉयड एक्स्ट्रा Coast Guards एंड नेवी सर्विलेंस इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इंडियन फिशरमेन from entering into sri lankan waters a joint working group also has been established between india and sri lanka in order to resolve the fisherman issue till day the issue is far away from being resolved this topic of ssp practice question please attempt this question and submit the answer in the comment section this is the board work india sri lanka fisherman issue so indian fishermen keep on entering into the sri lankan water that is the problem and then there they get arrested why it is so mainly three factors sri lankan side is more rich in fishes and why they are more rich because of the sri lankan civil war and unsustainable fishing on indian side trawler and dynamite fishing second is lachathivu island that was ceded to sri lanka by india in 1974 and continental shelf of sri lanka is broader these are the three main factors behind indian fishermen entering into sri lankan water the next topic is public examination prevention of unfair means Bill 2024 2024 in अभी सरकार ने लाया है तो बिल पास हो ही जाएगा इसके अंतर्गत कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल सरकारी भारत सरकार द्वारा कराए गए सेंट्रल लेवल के रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में अगर माल प्रैक्टिस करते हुए पाया जाता है इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन कोई भी माल प्रैक्टिसेस करते हुए जाते हैं तो 10 साल तक की जेल और एक करोड़ तक का फाइन किया जा सकता है इस तरह का कानून आसाम सरकार ऑलरेडी ला चुकी है तो भारत सरकार ने सेंट्रल रिक्रूटमेंट में जैसे जो भी एग्जाम्स यूपीएससी करवाती है एसएससी आरआरबी आई बी पी एस या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एग्जाम करवाती है फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए लाइक जे ई नीट सी यू ई टी तो इन सब एग्जाम्स में अगर कोई माल प्रैक्टिस करता हुआ पाया जाता है तो वो इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन को दस उस इंडिविजुअल के को दस साल की सजा हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक करोड़ तक का फाइन लगाया जा सकता है ध्यान रहे स्टूडेंट्स को इसके अंतर्गत सजा नहीं होगी स्टूडेंट्स को वैसे ही डील किया जाएगा जैसे अभी तक डील किया जाता रहा है एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स की मदद से कि मान लीजिए एग्जाम से उनको बैन कर दिया गया एक सेमेस्टर के लिए फेल करा दिया गया वही सब होगा इफ स्टूडेंट्स आर फाउंड टू बी एंगेज इन टू मैल प्रैक्टिस दे वॉन्ट बी डील्ड अंडर दिस लॉ बट दिस लॉ हैज बिन क्रिएटेड इन ऑर्डर टू डील विथ इंडिविजुअल्स इंगेज इन टू ऑर्गेनाइज क्राइम्स एंड इंस्टीट्यूशन इंगेज इन टू ऑर्गेनाइज क्राइम्स ऑफ पेपर लीक एंड ऑल

नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट ई नैम इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर सिलेबस मारेबस पेपर पथरी इंडियन इकॉमी पॉइंट ऑफ व्यू स्पेशली विद एग्रीकल्चर रिश्यूस देखिए भारत के अंदर जो फार्मर्स अपना एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बेचते हैं उनके लिए बनाई गई हैं अलग अलग जगहों पर एग्रीकल्चरल मंडीज जिनको कहा जाता है ए पी एम सी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज या एग्रीकल्चरल मंडीज जहां पे फार्मर्स अपना क्रॉप बेच सकते हैं अब ये मंडीज फ्रेगमेंटेड तरीके से है जैसे एक मंडी है मान लीजिए डिब्रूगढ़ में दूसरा है जोरहट में तीसरा है गुवाहाटी में तो गुवाहाटी में क्या दाम मिल रहा है किसी भी क्रॉप का वो डिब्रूगढ़ के फार्मर को पता नहीं चलेगा हो सकता है कि गुवाहाटी में उस क्रॉप का दाम हो पचास रुपये डिब्रूगढ़ में फार्मर को पता ही नहीं है वहां पे जाकर के मिडिल मैन जो बिचौलिया लोग होते हैं वो उस क्रॉप को बीस रुपये में खरीद लें और बाकी बाद में आकर के कोहाटी उसी क्रॉप को पचास में बेचें और तीस रुपए का प्रॉफिट कमा ले मार्जिन कमा ले तो ये तो हो सकता है तो ये प्रॉब्लम थी पहले क्योंकि फ्रेगमेंटेड मंडियां थी एपीएमसी जिनको हम लोग कहते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज मंडीज फ्रेगमेंटेड मंडियों के कारण फार्मर्स को अलग अलग मंडियों में क्या दाम चल रहा है उनके क्रॉप का वो पता नहीं चल पाता है इसको कहा जाता है इंफॉर्मेशन असिमेट्री और इस कारण से राइट प्राइस डिस्कवरी नहीं कर पाते फार्मर्स एंड दैट इज हाउ दे गेट चीटेड बाई दीस मिडिल सरकार ने क्या किया 2016 में कॉन्सेप्ट लेकर के आई ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जहां पे हर एक मंडी में कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म या सेटअप्स लगाए जाएंगे जिसकी मदद से फार्मर को बैठे बैठे पता चल जाएगा कि अलग अलग मंडियों में क्या दाम चल रहा है और जैसे उसको पता चल जाएगा कि अच्छा गुवाहाटी के मंडी में उसके क्रॉप का पचास रुपए दाम चल रहा है तो फिर वो अपने

फार्मर है अपना फूड क्रॉप लेकर के गया प्रोड्यूस लेकर के गया मंडी में बेचा अब जो भी लोकल मंडी है वहां पे इससे मिडिल मैन कोई भी बिचौलिया खरीद लेगा दस रुपए के जी और वही जाकर के बड़े शहरों में पचास रुपए के जी बेचेगा और चालीस रुपया कमा गया और फार्मर को मिला दस रुपया लेकिन अब क्या है आफ्टर ई नैम द फार्मर विल गो टू द मंडी एंड इन मंडी देर विल बी डिजिटल बोर्ड्स लाइक दिस वेयर द प्राइस ऑफ द क्रॉप इन डिफरेंट मार्केट्स अक्रॉस द कंट्री विल बी डिस्प्लेड उसको पता चल जाए कि अच्छा यही क्रॉप बड़े मार्केट में पचास रुपये पर के जी बिक रहा है और यहाँ पे मिडिल मैन मुझसे खरीदने आया दस रुपये पर के जी में ऑफकोर्स ये मिडिल मैन को नहीं बेचेगा और फिर वो अपना क्रॉप जो है इस बड़े दूसरे मंडी के बायर्स को बेचेगा अब आप कहेंगे कि सर दूसरे मंडी के बायर्स से बेचेगा कैसे तो इसमें सब ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है और उसके बाद जो भी क्रॉप है वो ट्रेन के थ्रू भेजवाया जाता है एक जगह से दूसरे जगह पे तो ट्रांसपोर्ट इज द गवर्नमेंट थ्रू ट्रेन और ट्रेन में भी ई किसान रेल का कॉन्सेप्ट लाया गया है जिसमें किसान अपने सामान को लोड करवा सकते हैं और एक जगह से दूसरे जगह भिजवा सकते हैं तो ये ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा इनके और इनके बीच में और ये जो बायर है बड़े शहरों का वो ऑनलाइन पेमेंट कर देगा और फार्मर किसान रेल की मदद से क्रॉप भिजवा देगा इस तरीके से राइट प्राइस डिस्कवरी होगी इन्फॉर्मेशन आसिमेट्री एड्रेस हो जाएगा फार्मर्स विल बी एबल टू गेट राइट प्राइस फॉर देयर देयर क्रॉप क्रॉप बाय सेलिंग टू दैट मार्केट वेयर दे गेट द बेस्ट प्राइस और यही है करेंट न्यूज धीरे धीरे वैसे तो ई e लाया गया था दो में स्टार्टिंग में तो कई सारे स्टेट्स ने रिलेक्टेंस दिखाया ई नएम e को ज्वाइन करने में आज के डेट में लगभग तेईस स्टेट और चार यूनियन टेरिटरी इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट को ज्वाइन कर चुके हैं कि स्टेट्स के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि वो ई e को करें ना करें क्योंकि एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट तो अल्टीमेट डिसीजन लाइज विद द स्टेट्स बट नाउ करेंटली देर आर ट्वेंटी आर डिजिटलाइज नाउ अंडर इन सो नाउ दिस इज हेल्पिंग फार्मर्स टू डू राइट प्राइस डिस्कवरी फॉर देअर क्रॉप एंड दिस इज हाउ इंटर स्टेट ट्रेड इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इज ऑन द राइज बिकॉज ऑफ इन दिस इज वर्ट द करेंट आर्टिकल्स एक पीटी पर्सपेक्टिव से फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देख लीजिए ई e को लॉन्च करने वाली मिनिस्ट्री तो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर बट इसको इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी है एस एफ ए सी स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस इस टॉपिक के बेसिस तो पे प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है प्लीज एड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन ई नैम स्टार्टेड इन टू थाउंडीन बाइ था। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इंप्लीमेंटिंग एजेंसी एस एफ एस इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड पोर्टल लिंकिंग एपीएमसी दैट इज एग्रीकल्चर मंडीज अक्रॉस इंडिया प्राइस डिस्कवरी फॉर फार्मर्स एड्रेस द इश्यूज ऑफ असिमेट्री आड बाय द फार्मर्स एंड इनकम ऑगमेंटेशन फॉर फार्मर्स एंड डूइंग अवे विद मिडिलॉपिकोर इज अबाउट स्टिंगलेस बीज दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम प्रम्स परसपेक्टिव मेनली ये जो स्टिंगलेस बीज होते हैं नाम से जिससे आपको समझ आ रहा है दे आर इनकेबल ऑफ स्टिंगिंग वो उनके अंदर स्टिंग करने की कैपेबिलिटी तो नहीं होती है एंड दे आर यू सोशल मीन्स दे मेनली लिव एंड इन ए कलेक्टिव फैशन एंड दे लिव टुगेदर इन हाइव्स एंड प्रोड्यूस हनी स्टिंगलेस बीज आर फाउंड इन अमेज़न फॉरेस्ट एंड स्टिंगलेस बीज आर यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल मेडिसिन स्टिंगलेस बीज जो है दे आर वेरी गुड क्रॉस पोलिनेटर्स तो पॉलीनेशन में स्टीनलेस बीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और वो मेनली अमेजन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं तो अमेजन फॉरेस्ट को सस्टेन करने में स्टिंगलेस बीज का बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है क्योंकि तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा तभी तो प्लांट्स पॉलिनेट कर पाएंगे ग्रो कर पाएंगे अमेजन तो फॉरेस्ट को के सेंटिटी को मेंटेन करने में आप कह सकते हैं कि स्टिंगलेस बीज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल अब प्रॉब्लम क्या है कि एक वीसीएस साइकिल शुरू हो गया अमेजन फॉरेस्ट की डिफॉरेस्टेशन की जा रही है लगातार बाई डिफरेंट कंट्रीज फॉर डेवलपमेंटल प्रोसेस उसमें सबसे आगे है ब्राजील अब एमेज़न फॉरेस्ट की जो डिफ़ॉरेस्टेशन हो रही है तो स्टिंगलेस बीज की पॉपुलेशन गिर रही है स्टिंगलेस बीज की जो पॉपुलेशन गिर रही है तो क्रॉस पॉलिनेशन का जो रेट है वो कम हो रहा है अमेजन फॉरेस्ट में और उस कारण से फिर अमेजन फॉरेस्ट का ओवरऑल डेंसिटी घट रहा है तो इट इज असीकल दैट इज गेटिंग क्रिएटेड ज यू ऑल नो इज दोस्ट डाइवर्सोडाइवर्स रीजन इन द वर्ल्ड एंड इट इज ऑल्सो ऑफ द अर्थ तो ये मैटर ऑफ कंसर्न है क्योंकि अमेजन की डाइवर्सिटी और डेंसिटी गिर रही है बिकॉज ऑफ दिस साइकिल पहले तो आपने थोड़ा अमेजन काटा चिंगलेस बीज की पॉपुलेशन गिरी अब बीज की पॉपुलेशन गिरी तो क्रॉस पॉलिनेशन का रेट कम हुआ तो वापस अमेजन की डेंसिटी कम हो रही है दैट इज वाई करेंटली वाई इट वॉज इन न्यूज बिकॉज पेरू विच इज साउथ American country that has started uh, initiative to save stingless bees in order to save Amazon forest. So, Amazon forest okay, native Hotei stingless bees used to produce natural medicine currently Peru has started conservation program for stingless bees to protect Amazon because Amazon deforestation decline in stingless bees cross pollination and decline in Amazon this is a vicious cycle going on in Amazon region. Topic number 5 is about Grammy awards this is again important from prelims perspective भारत से पांच लोगों को ग्रैमी अवार्ड्स मिला है इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए और उसमें से जाकिर हुसैन साहब का नाम अलग से आपको याद रखना है क्योंकि पांच लोगों को शंकर महादेवन गणेश राजगोपालन उस्ताद जाकिर हुसैन वी सेल्वा गणेशन राकेश चौरसिया इन लोगों को मिला है ग्रामीण अवार्ड जाकिर हुसैन साहब को अकेले ही तीन ग्रामी अवार्ड मिले एंड दैट मेड हिम फर्स्ट इंडियन टू बैग थ्री ग्रामी अवार्ड इन वन पर्टिकुलर ईयर ग्रैमी अवार्ड ऑन बिकमिंग फर्स्ट इंडियन टू विन थ्री ऑफ दिस ट्रॉफीज इन सिंगल नाइट ओवरऑल फाइव इंडियंस आई सेड और ये ग्रैमी अवार्ड इन पांचों लोगों को मिला है फॉर देयर बैंड सख्ती जिसने एक म्यूजिक uh, कंपोज किया है दिस मोमेंट दिस मोमेंट जो म्यूजिक है इट हैजन ग्रामी अवार्ड इन दैटेगरी बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम जाकिर हुसैन साहब को मिला है तीन ग्रामी अवार्ड फॉर थ्री कैटेगरीज बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस बेस्ट कॉन्टेम्प्ररी इंस्ट्रूमेंटल एल्बम एंड बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम कैटेगरी कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते लॉ कमीशन से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट गलत है एंड जली का टू आंध्र प्रदेश का तो नहीं राइट बाकी दूसरा तीसरा स्टेटमेंट सही है दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर फॉर टुडे थैंक्स